हाय दोस्तों, मोटोरोला जो है अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहा है और हाल ही में कंपनी ने भारत में अपने नोट दो डिवाइस G60 और G40 फ्यूजन को लॉन्च किया है। नए स्मार्टफोन लॉन्च करने के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब कंपनी ने मोटो G20 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जी सीरीज का यह अपकमिंग फ़ोन कई बार लीक्स में दिख चुका है, हालांकि अब नई लीक में इस फ़ोन के फोटो और स्पेसिफिकेशन से पर्दा उड़ गया है। तो इस एक ट्वीट के अनुसार अपकमिंग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि इसमें फ़ोन में HD+ रिजोल्यूशन के साथ में 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले दिया गया है। फ़ोन में IP52 रेटिंग के स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर भी दिया गया है। फ़ोन का डिस्प्ले जो है वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन वाला है और इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा हुआ है। डिज़ाइन और लुक तो आप देख ही सकते हो वीडियो में। फ़ोन के रियर में फोटोग्राफी के लिए LED फ्लैश के साथ में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। OS की बात करें तो यह एंड्रॉयड 11 OS पर काम करता है। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है और प्रोसेसर की बात करें तो यूनिसॉक T700 चिपसेट दिया गया है। लीक में यह बताया गया है कि माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलेगा या नहीं। फ़ोन को पावर देने के लिए 5000 mAh की बैटरी भी दी गई है और फ़ोन में फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी और इसकी जो कीमत होने वाली है वो 13,000 के आसपास होने वाली है। फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी होने वाला है। फ़ोन में 3.5 mm हेडफोन जैक भी और ये जो कलर स्काई ब्लू और फ्लेमिंगो कलर ऑप्शन में आएगा और इसकी जो कीमत है वो 13,400 रुपये तक होने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।